अब बीमारियों से रहे दूर, इम्यूनिटी मिलेगी भरपूर। क्योंकि आज बिंदिया किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना चीनी, बिना चाशनी, बिना दूध मावे के सर्दियों के सबसे खास कमर जोड़ों दर्द को दूर भगाने वाले, शरीर को मजबूत बनाने वाले, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन से भरपूर सेहत का रामबाण सबसे टेस्टी और हेल्थी गोंद के लड्डू। साथ ही शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिससे आपके लड्डू पहली बार में एकदम परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल भी टाइट नहीं होंगे और महीनों तक चलेंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। विंटर स्पेशल सुपर हेल्थी सुपर टेस्टी गोंद के लड्डू बनाने के लिए यह हम लेंगे कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे हम नारियल का पूरा भी कहते हैं। आप क्या चाहे तो सूखा नारियल आता है ना, जिसे हम गोला कहते हैं, उसे भी आप इसमें ग्रेट करके डाल सकते हैं। और अब इसे हम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। नारियल जल्दी भुन जाता है तो इसे हम लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। और ये लीजिए, नारियल अच्छे से भुन गया, इसमें से बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है। तो बस इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब उसी कढ़ाई में यहाँ हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच खसखस, जिसे हम पॉपी सीड्स भी कहते हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच मगज के बीज। आप यहाँ चाहे तो तरबूज और खरबूजे के बीज कुछ भी डाल सकते हैं। और इसे भी हम अब ड्राई रोस्ट कर लेंगे। खसखस और मगज के बीज से हमारे लड्डू की लुकिंग अच्छी आएगी, साथ ही नींद ना आने की प्रॉब्लम में भी खसखस काफी फायदा करता है। और ये लीजिए, खसखस और सीड्स भी अच्छे से भुन गए, इसे भी हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। और अब उसी गर्म कढ़ाई में यहाँ हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। लड्डू वगैरह ना घी में स्वादिष्ट लगते हैं, तो घी को भी हम अच्छे से यहाँ गर्म होने देंगे। और घी के गर्म होने पर फ्लेम को करेंगे लो और यह हम लेंगे आधा कप गोंद। वेट से बोलूँ तो यहाँ मैंने 100 ग्राम गोंद ली है, जिसे हम एडिबल गम भी कहते हैं। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर फ्राई करेंगे। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी टिप कि जब भी गोंद को फ्राई करें, घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही डालें। इससे क्या होगा ना कि गोंद अच्छे से फूलेगा और अंदर तक फ्राई होगा। और ये देखिए, गोंद हमारा अच्छे से फूल गया, तो बस इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी के गोंद को भी फ्राई कर लेंगे। सर्दियों में गोंद बहुत ही फायदा करती है और ये एक ऐसी चीज है जो हम जनरली तो खा नहीं पाते, लेकिन इस लड्डू के जरिए हम घर के बच्चे या बड़े सभी को इजीली खिला सकते हैं। और ये लीजिए, यहाँ हमारा सारा गोंद अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे हम रखते हैं साइड में और यहाँ हम लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट में मैंने यहाँ लिया है 1/4 कप काजू, 1/4 कप बादाम, 1/2 कप मखाने। मखाने में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही यहाँ हम लेंगे 2 बड़े चम्मच काली किशमिश, 2 बड़े चम्मच हरी किशमिश और 2 बड़े चम्मच पिस्ता। यह ड्राई फ्रूट टोटली ऑप्शनल है, इसमें से जो आपके पास हो वो डालें, जो नहीं हो वो आप यहाँ स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसी घी में यहाँ हम डालेंगे बादाम और काजू और इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब कुछ लोग ड्राई फ्रूट को बिना फ्राई करें ऐसे ही लड्डू में डालते हैं, पर फ्राई करने से होगा क्या कि इसमें अच्छा क्रंच भी आएगा और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। और ये लीजिए, हमारे काजू और बादाम अच्छे से रोस्ट हो गए, अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसी बचे हुए घी में यहाँ हम डालेंगे पिस्ता और किशमिश। ये दोनों बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसलिए इसे अलग से ही फ्राई करें। और ये देखिए, किशमिश हमारी अच्छे से फूल गई है और पिस्ता भी रोस्ट हो गए, तो बस इसे भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और अब हम यहाँ मखानों को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसमें एक बढ़िया सा क्रंच आ जाए। मखाने कैल्शियम का भंडार होते हैं और ये हड्डियों को मजबूत भी बनाते हैं, तो बच्चों और बड़ों के लिए काफी फायदेमंद है, तो इसे आप जरूर से डालें। और ये देखिए, मखाने हमारे बढ़िया से रोस्ट हो गए, इसे भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारी सारी चीजें भून करके बिल्कुल तैयार है, इन्हें हम ठंडा होने देते हैं, तब तक देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो फिर से उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी और इसे हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और घी के मेल्ट होने पर फ्लेम को करेंगे लो और इसमें हम डालेंगे ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हमारे लड्डू को देगा एक जबरदस्त टेस्ट और टेक्सचर, और वो है बेसन। तो यहाँ हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन और इसे अब लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। दोस्तों, लड्डू में एक बार बेसन जरूर डाल के देखिएगा, आप खुद समझ जाओगे कितना बढ़िया टेस्ट और टेक्सचर आता है। तो बेसन को भूनते हुए लगभग 1 मिनट हो गया, ये अच्छे से भून गया है, इसमें से बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है। तो बस अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा, जो नॉर्मल चपाती वगैरह बनाने में हम यूज लेते हैं ना, बस यहाँ मैंने वही आटा लिया है। और इसे भी हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। आटा बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए भूनते समय फ्लेम को लो ही रखें और लगातार चलाते रहें। आप इसे जितना लो फ्लेम पर भूनेंगे ना, उतना ही लड्डू का स्वाद बढ़ेगा।
और दोस्तों इसी तरह मैंने आपके साथ पहले भी विंटर स्पेशल में कच्ची हल्दी के लड्डू और ड्राई फ्रूट के लड्डू की भी रेसिपी शेयर करी है। ये लड्डू भी गुड़ों से भरपूर और काफ़ी हेल्दी और टेस्टी होते हैं, तो इन्हें भी आप जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा। और इनकी रेसिपी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे आटे पे कितना अच्छा कलर आया है। तो यहाँ हमारा आटा अच्छे से भून गया, इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है, पूरा घर महक रहा है। तो बस अब हम गैस को करेंगे बंद और इसे हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमारा आटा भून करके बढ़िया से तैयार है। अब हमारे लड्डू के फ्लेवर को और भी इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सौंठ का पाउडर। सौंठ का पाउडर सर्दियों में शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और इन्हें भी हम आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे हम रखते हैं साइड में और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। और यहाँ हमारा गोंद ठंडा हो गया है, तो अब इसे हम क्रश कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ लेंगे इस तरह का आलू मेशन, आप यहाँ चाहे तो किसी कटोरी से भी इसे क्रश कर सकते हैं। और इसे अब हम इस तरह दबाते हुए बढ़िया से क्रश कर लेंगे। और ये देखिए, सारी गोंद को अच्छे से क्रश कर लिया है। इस तरह से थोड़े थोड़े पीसेस जब लड्डू को खाते समय मुंह में आएंगे ना, तो बहुत ही जबरदस्त लगेंगे। तो इसे हम रखेंगे साइड में, और यहाँ हम लेंगे एक मिक्सी जार, और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे काजू बादाम और पिस्ता, और इसे अब हम पल्स मोड पर यानी रुक रुक करके दरदरा पीस लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट को दरदरा पीस लिया है, और इसे अब हम भुने हुए आटे में मिक्स कर देंगे। अब फिर से उसी ग्राइंडिंग जार में डालेंगे हम हमारे रोस्टेड मखाने, और इसे भी पल्स मोड पर दरदरा सा पीस लेंगे, ये देखिए। और अब इस पिसे हुए मखाने को भी आटे वाले बाउल में डाल देंगे, और अभी जो गोंद हमने क्रश करके रखी थी ना, वो भी हम यहाँ डाल देंगे, और साथ ही जो हमने मगज के बीज और खसखस को रोस्ट करके रखा था ना, वो भी हम यहाँ डाल देंगे। और साथ ही इसमें जाएगा हमारा रोस्टेड नारियल का बूरा और फ्राइड काली और हरी किशमिश। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे बढ़िया से मिक्स। दोस्तों बहुत ही हेल्थी, टेस्टी और इम्यूनिटी बूस्टर है ये लड्डू। अगर इन सर्दियों में आपने एक लड्डू सुबह गर्म दूध के साथ ले लिया, तो पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे। तो इन लड्डुओं को आप इस बार जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यह सारा मिक्स अच्छे से मिक्स हो गया। अब दोस्तों आज जो ये हम लड्डू बना रहे हैं ना, ये हम बिना चीनी और बिना चाशनी के बना रहे हैं। तो हमारे लड्डू में बढ़िया मिठास देने के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ गुड़। अगर आप चीनी डालकर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले चीनी को अच्छे से पीस लें, और मिक्सचर के ठंडे होने के बाद उसमें चीनी डालकर आप लड्डू तैयार कर सकते हैं। अब फिर से उसी कढ़ाई को रखेंगे हम गैस पर, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम, और यहाँ हम लेंगे लगभग 250 ग्राम गुड़, या ये मान के चलिए लगभग 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही गुड़ मैंने लिया है। और इसे मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है, इससे क्या होगा ना कि मेल्ट होने में ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा। साथ ही यहाँ हम डालेंगे 2 से 3 छोटे चम्मच पानी, इससे क्या होगा ना कि गुड़ हमारा जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। और अब इसे हम लगातार चलाते हुए गुड़ को बढ़िया से मेल्ट कर लेंगे। और जब गुड़ इस तरह से अच्छे से मेल्ट हो जाए, तो इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी, और इसे भी हम करेंगे अच्छे से मिक्स। घी से क्या होगा ना कि हमारे लड्डू में बढ़िया सी शाइन आएगी। और ये देखिए, यहाँ हमारे गुड़ में एक अच्छा सा उबाल आ गया। हमें यहाँ गुड़ की कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस एक उबाल आ जाए इतना ही इसे हमें पकाना है। तो बस इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद। अच्छा, हमारे लड्डू में बढ़िया लुक के लिए मेरे पास यहाँ कुछ बादाम की कतरन है, तो वो भी मैं यहाँ डाल रही हूँ, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, हो तो डालें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इस मेल्टेड गुड़ को हम थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ अच्छे से डाल देंगे। तो यहाँ मैंने सारा गुड़ इसमें डाल दिया है, अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यह सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया, और हमारा मिक्स हल्का सा ठंडा भी हो गया, मतलब छूने लायक हो गया है। तो बस जितने छोटे बड़े लड्डू आपको बनाने, उस हिसाब से आप मिक्सचर हाथों में लें और इस तरह से बढ़िया से लड्डू तैयार करें। कोई भी एक्स्ट्रा घी वगैरह डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए, बने ना एकदम परफेक्ट। तो बस इसे हम रखेंगे प्लेट में, और ऐसे ही सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारे विंटर स्पेशल बहुत ही हेल्थी टेस्टी गोंद के लड्डू। और इन लड्डुओं को मैंने बादाम और पिस्ता की कतरन से गार्निश किया है, आप इसे चाहे तो प्लेन भी रख सकते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ हमारे लड्डू कितने सॉफ्ट बने। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट मखमली टेक्सचर और अंदर तक ड्राई फ्रूट से भरपूर। दोस्तों इन हेल्थी और टेस्टी लड्डू को इन सर्दियों में बनाना तो जरूर से बनता है, और इसे आप एक बार बनाइए और महीनों तक खाइए।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं न्यू और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। थैंक यू।